हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सबम्यूकोजा व्हिच इज़ प्रेजेंट बिलो द लमाइना प्रोप्रिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिथीलियम। सी सबम्यूकोजा, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वेरिंग थिकनेस एंड डेंसिटी। It attaches the oral mucous membrane, this oral mucous membrane to the underlying structures. Okay, now see, this is the epithelium, this is the basement membrane, and this is the epithelial ridges. We have discussed all this in the previous videos. Then below the epithelium is the lamina propria or the connective tissue. This is the reticular zone of the lamina propria, and the one which is anastomosing with the epithelial ridge is the papillary zone. Okay, below the lamina propria is the submucosa. It attaches the oral mucous membrane. See, this is the oral mucous membrane. It attaches the oral mucous membrane to the underlying structures. Now what are the underlying structures? They are the bones and the muscles. ठीक है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करने वाला इज द सब म्यूकोजा। अब इसके कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं? इट कंटेन्स ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड एडिपोज टिश्यू। ओके, so it contains glands, blood vessels, nerves and adipose tissue. Now what happens is, first see, अब इसमें जो blood vessels हैं, large arteries आ रही है मान लो, ठीक है। If the large arteries, let us assume that large arteries are coming here, they divide into smaller branches. देखो यहाँ से यहाँ पे आ रही है मान लो large arteries. So here what happens is, in the submucosa, these large arteries they would divide into smaller branches. Okay, so these large arteries, they divide into small branches in the submucosa, and then they enter into the lamina propria. Okay, after dividing into the small branches, these arteries are entering into the lamina propria. सबसे पहले ये यहाँ पे होता है, ठीक है, and then enter करके ये arteries in इस papillary zone में, यहाँ पे क्या होता है, इन द पैपिलरी जोन दे फॉर्म द सब एपिथीलियल कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, सब एपिथीलियल मतलब एपिथीलियम के बिलो ये एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाते हैं टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द एपिथीलियम। ओके, सो दे आर डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर ब्रांचेस एंड एंटरिंग द लमाइना प्रोप्रिया। इन द पैपिला of the lamina propria, they are dividing and then they are forming the subepithelial capillary network. Okay, next is, the nerve fibers are myelinated as they traverse through the submucosa. ओके, नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द नर्व फाइबर्स। अब नर्व फाइबर्स में क्या होता है, नर्व फाइबर्स जो हैं ये माइलिनेटेड होते हैं जब वो सब म्यूकोजा से जाते हैं, एंड देन दे लूज देयर माइलिन शीट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू देयर एंड पॉइंट्स। अब देखो, नर्व फाइबर्स भी हम लोग पढ़े थे पैपिला के कॉम्पोजिशन में कि पैपिला कंटेन्स नर्व एंडिंग्स। ओके, तो पहले तो जब नर्व फाइबर्स सब म्यूकोसा से ट्रैवर्स करते हैं, दे कंटेन माइलिन शीथ। ओके, बट एज दे ट्रैवर्स दे लूज देयर माइलिन शीथ और यहाँ पे खाली नर्व एंडिंग्स आर लेफ्ट।
इन द पैपिला। ठीक है, तो एक और चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे कि नर्व फाइबर्स जो हैं वो अपना माइलिन शीथ लूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सम फाइबर्स वो क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं एपिथीलियम में जहाँ पे वो टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एपिथीलियम, अब ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये कभी कभी एपिथीलियम में एंटर कर जाते हैं कुछ फाइबर्स, एंड देन हियर दे गिव आउट द नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स। ओके, दीज नर्व एंडिंग्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द मर्कल सेल्स, विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोज वॉट आर द मर्कल सेल्स। तो कभी कभी कुछ नर्व एंडिंग्स जो हैं दे एंटर इन टू द एपिथीलियम और फिर ये नर्व फाइबर्स एपिथीलियम में नर्व एंडिंग्स देंगे। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स आर अकम्पेन्ड बाय द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड दे सप्लाई द स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये अकम्पेन करती है नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स को, और ये किसको सप्लाई करेगी, दे वुड सप्लाई द स्मूथ मसल्स। ओके, सो दिस इज़ इट अबाउट द सबम्यूकोसा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू, कीप विजिटिंग।